अब हम आ गए हैं फिल्म सिटी के अंदर। काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे हम हिमाचल में आ गए। बहुत सारे यहाँ पे लोकेशन देखा, जैसे बिग बॉस को देखा, अभी कपिल शर्मा का शो है, बहुत सारे शो हैं। अब इसके आगे जो है शूट करने की अथॉरिटी नहीं है, ना ही फोटो खींचने का है, क्योंकि नमस्कार नमस्कार एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। अरे बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे भी मेरे फैंस हैं और इसके आगे हम लोग शूट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया पर डाल दूं तो उसके पहले लोग देख लेते, तो इसके लिए उन्होंने मना किया। कोई दिक्कत की बात नहीं, और अब कुछ और दिखाएंगे और उसके बाद चलते हैं। आ जाओ, फिल्म सिटी में हम आ गए हैं और यहाँ पे भी सब कुछ राममय हो रहा है। देखिए नज़ारा, देखिए यहाँ का ये मंदिर है, बहुत सारे झंडे लग चुके हैं। जो फिल्म सिटी है मुंबई की, इसके अंदर बहुत एक डरावना टाइप का है, जंगल के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, और इस जंगल में ही पूरी फिल्मी दुनिया बनाई गई है। न जाने कितने किलोमीटर की लंबाई में बनाया गया है, कुछ दिखता नहीं, सिर्फ जंगली जंगल दिखता है। तो ये सेटअप है, इनके बहुत बड़े सेटअप हैं और ये सब अधिकतर लकड़ियों को बनाया गया है। ये शूट करके सो रहे हैं। गुमटी से प्यार ये सीरियल का नाम है। तो अभी थक गए तो रेस्ट कर रहे हो, फिर रात को जगोगे। तो ये हालात रहती है, शूटिंग करना इतना आसान नहीं रहता। देखो किस तरीके से पड़े हुए हैं, जैसे अब खत्म कहानी हो गई है। मज़ा आ रहा। तो ये देखिए इधर का नज़ारा देखिए, मूर्ति था, मूर्ति लेके चले गए। अभी रात को जब शूट करने आएंगे तो मूर्ति वापस लेकर आ जाएंगे। खास बात बताता, अभी सुधा चंदन जी मेरे पास गई थी, एक महीना पहले सुधा चंदन जी गई थी शूटिंग के लिए, तो हमने वो फोटो अपडेट किया था, तो उन्हीं का ये सुधा चंदन जी का सेटअप है। और ये भी डोरी का सेटअप है, बहुत ही अच्छा बनाया इन्होंने। तो इसी सेटअप को देखने के लिए हम लोग पहुँचे थे कि सुधा चंदन जी मेरे पास गई थी, तो हमने कहा क्यों ना उनके सेट पे जाना चाहिए। भाई ये सुधा चंदन जी का सेट है, उन्होंने बनाया, एक महीना पहले मेरे पास गई थी सुधा चंदन जी। ओके, है ना, मेरे साथ काफ़ी समय बिताया उन्होंने, लखनऊ के अंदर गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके सेटअप पर चला जाए। ओके, वो मेरी वर्किंग प्लेस पर गई, सेटअप पे गई थी, तो आज मैं सुधा चंदन के सेटअप पे आ गया हूँ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू। आप उनका ये दिखाया, बहुत ही अद्भुत नजारा है। शाम को शूटिंग है, रात को शूटिंग है। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अंबाद जादव। अच्छा जादव जी, यही के रहने वाले? परमानेंटली, बॉर्न एंड बॉटम फिल्म सिटी से। अच्छा, यही से। कितने लोग घुमाते हैं डेली? डेली डिपेंड करता है ऐसा, सीजन वाइज में अगर दिवाली में आते तो हम लोग 1200-1500 कवर कर लेते हैं। अच्छा, बट अभी फिलहाल के लिए सीजन वाइज में नॉर्मली होता रहता है, जैसे जिसको टाइम मिलता है उस हिसाब से आते रहते। अच्छा, वहाँ से कितना टिकट? 1100 का? हाँ, 1100 रुपए का टिकट है। और बच्चों के लिए कुछ? 5 साल के नीचे फ्री, 5 साल के ऊपर चार्ज, सेम चार्ज जैसे बोलते हैं। अच्छा चलिए ठीक, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये सुधा चंदन जी डोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन सेटअप बनाया है, और मेरे पास जब लखनऊ आई थी तो हृदय से अभिनंदन किया था, तो आज दिल नहीं माना था, तो आज इस उनके सेटअप पे मैं आ गया हूँ। ये देखिए कैसा सेटअप है, एक बनारस का है, अद्भुत नज़ारा है। एक कोरेगांव फिल्म सिटी है और बहुत ही बेहतरीन सेटअप बनाया है, और इस सीरियल को ज़रूर देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। डायरेक्टर हैं, हीरो हीरोइन हैं, सब बैठे हुए हैं अंदर, बस सब थक गए हैं। तुम्हारा कौन सा सीरियल है दोस्त? हैं, तुम्हारा कौन सा सीरियल है बताओ? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे गजब, तो चश्मा तो लगाओ यार, क्यों हैं हैं चश्मा तो लगाओ, हैं तभी तो लगेगा तारक का उल्टा चश्मा। तो शायद सर ने सारे फिल्मों में का शायद से कुछ फिल्मों में जरूर उस मंदिर को हमने देखा है। दीवार फिल्म है ना, एक प्यारा सा एक मोमेंट है जहाँ पर बच्चन साहब उस मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर शंकर भगवान जी के साथ में वार्तालाप करते हैं, एक सीन जहाँ पे उनकी मम्मी की तबीयत खराब होती, मजबूर उन्हें उस मंदिर में जाना पड़ता है, जहाँ पर वार्तालाप करते हैं बच्चन साहब शंकर भगवान जी से बोलते हैं कि आज होश तो बहुत होंगे तुम्हारे, जो इंसान कभी जिंदगी में किसी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा पर आज तुम्हारे सामने हाथ फुलाए खड़ा है, उसी के नाम से प्रॉपर्टी उस मंदिर को देखा गया था। सेम ईयर में एक और फिल्म आई थी स्वर्ण नाम की, राजेश खन्ना गोविंदा जोशी आई,
बचपन में जहाँ पे राजेश खन्ना के साथ एक सीन है जहाँ पे वो बंगलो बेचा जाता है, नीलामी में बंगलो बेचने का रहा बाहर की तरफ निकलते एक छोटे से चौल में जीवचालय में आपको लेकर रहते हैं, जीवचालय में उनकी तबियत थोड़ी सी खराब हो जाती है। इधर आखिर में शादी कर देगी इसका भी, कभी एपिसोड इसका नोटिस करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये एपिसोड मैंने कभी देखा है पहले, कभी देखना अच्छी तरीके से तो आपको समझ में आएगा क्या करें। अभी थोड़ा टाइम हो गया था इसके वजह से। और भी कुछ फिल्मों में मंदिर को हमने देखा जैसे कि किंग, संजीव, केदारनाथ, सिंह मूवी से दिलवाले, कुछ कुछ होता है, अंदाज अपना अपना, कहो ना प्यारे। और सीरियल्स की अगर बात करें तारक मेहता का ही जैसे बात करें तो तारक मेहता में काफी टाइम उस मंदिर को हमने देखा, जैसे दया बहन और सोरी बाजू की बच्ची का मिलना वो खुशी वाला एपिसोड, सेकंड वन जहाँ पे वो दया बहन और सॉरी अय्यर भाई और बबीता जी की गाड़ी चोरी हो जाना एनिवर्सरी के टाइम पे, थर्ड वन जहाँ पे पोपटलाल की जिंदगी के बुलबुल नाम की लड़की आती है उसका शादी वाला पोर्शन, फोर्थ वन जहाँ पे जेठालाल का सुंदरलाल के लिए शांति साल हवन करवाया जाता है पंडित जी को ले जाकर, वो अलग अलग से मूवमेंट्स अलग अलग भगवान के तौर पर उस मंदिर को हमने देखा। इसकी वजह से उस मंदिर को एक अलग सा नाम दिया है, उसको कहा जाता है इच्छा मूर्ति मंदिर। इच्छा मूर्ति मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर हमेशा सेम नजर आता है, बस अंदर की मूर्तियां चेंज होती रहती है, मूर्तियां जिस तरीके से चेंज होगी उस तरीके से उस मंदिर का कलर और डेकोरेशन चेंज होता है, अदरवाइज मंदिर ऐसे ही अभी जब शूटिंग के लिए बना के रखा तो सजाया जाता है, अदरवाइज खाली खाली सा मंदिर नजर आता है। आगे की तरफ हम लोग एक छोटे से गार्डन की तरफ जाएंगे, उस गार्डन से थोड़ा बहुत हमें सोसाइटी का स्ट्रक्चर नजर आता है, इतना स्ट्रक्चर नजर आता है कि जितना आप देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि सोसाइटी अंदर की तरफ मौजूद है। वहां पर एक मराठी सीरियल की शूटिंग भी चल रही थी, अगर वो चालू रहेगी तो देखेंगे, वरना वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखकर रील्स लाइफ और रियल लाइफ की सोसाइटी थोड़ी देखकर हम लोग बस ज्वाइन करेंगे क्योंकि आगे की तरफ मनोरंजन कार्यक्रम जाना है। इसे हमने देखा है कुछ सालों पहले तारक मेहता के एपिसोड के दौरान एज अ भाटियावाड़ी हॉल, भाटियावाड़ी हॉल वही जो यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है जहाँ पे साड़ियों की सेलिंग वाला लगता है, वो बाद में गरबा आंदोलन किया जाता है, मैनेजर को सबक सीखने के लिए कुछ मार्केट लगवाया आगे की तरफ, ये चूड़ियों की दुकान, गोले की दुकान, भाजी मंडी की सब्जी वाला, फूलों की दुकान। ये अंदर की तरफ ना स्टूडियो में एक बड़ा सा इन्होंने कोर्ट बनवाया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पता नहीं, तो अभी उसके टेबल्स वगैरह बस है, उसका स्ट्रक्चर आके बाहर उधर कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं कपड़ वगैरह स्टूडियोज, ऐसे स्टूडियोज बना है, जिम का ऐसा सामान वगैरह लेकर आना रेंट पर, उसको थोड़ा सजाना वगैरह कलर वगैरह करके इस तरीके से ताकि वो लुक लाइक रियल मैच से दिखे। बहुत बड़ा बहुत लंबी शूटिंग है, आओ, बहुत सारी फिल्म की शूटिंग चालू हो तो डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, बहुत चढ़ाई है यार, हैं? आओ इधर देखिए कुछ चाय पानी बढ़ रहा है कि उस? ओके, ये सोसाइटी की हाइट अगर आप देखें ना, इस सोसाइटी का हाइट अभी फिलहाल के लिए रियल में कम दिख रहा है, बट इसको ऑन टीवी पे अगर आप देखें ना तो पूरी सोसाइटी फैलकर बड़ी लगती है, अदरवाइज ऐसी बड़ी है नहीं। अगर हाँ, ये सोसाइटी बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, इसकी जो रूम्स की जो शूटिंग की जाती है, रूम्स की शूटिंग अलग से स्टूडियो में होती है, और रूम्स की शूटिंग होने के बाद सोसाइटी का सीन अलग होता है। अभी सोसाइटी की चीज़ के लिए बनाई गई, सोसाइटी बस बालकनी सीन के लिए बनाई है, बालकनी सीन करना, बच्चे कुछ ग्राउंड में खेल रहे, कोई फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है, उतना ही पोर्शन शूट करने के लिए आर्टिफिशियली सोसाइटी को क्रिएट करके रखा हुआ। बट इसके बालकनी वाले अगर आप सीन देखें ना, कभी भी ये दरवाज़ा अपना पूरा नहीं खोलते बालकनी में आने के लिए, बालकनी से घर के अंदर जाने के लिए, इनका जो दरवाजा खोलता है 40-45 डिग्री में ही खोलता है, पूरा इसलिए नहीं खोला जाता क्योंकि पीछे की तरफ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑन टीवी तो ऑडियंस को ना ही देखे तो अच्छा होगा, उस स्ट्रक्चर आगे से पीछे से कैसा नजर आता है, जैसे कि राधा कृष्ण के मंदिर के आगे तब जाओगे जैसे आए थे, पीछे की तरफ देख लेना खंडर के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ये है रील्स लाइफ और रियल लाइफ की कहानी। मिड मंथ के बाद उसका शूटिंग एज एपिसोड रिलीज किया जाएगा, अच्छा। और वो अभी टीवी पर नजर नहीं आएगा, डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं, बस उसको मिनिस्ट्री से परमिशन लगती है, एज अ टूरिज्म के हिसाब से नहीं जा सकते, एज अ गेस्ट के तौर पे आप जा सकते हैं। ठीक, चलो। येलो कलर का जितना पोर्शन है उतनी साइज में सोसाइटी बनी है।